वेलकम स्टूडेंट्स, और आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी फ्रेसल वर्ब्स। फ्रेसल वर्ब्स को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रेसेस क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, तभी आप समझ पाएंगे कि फ्रेसल वर्ब्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फ्रेसेस क्या होते हैं। फ्रेसेस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह अगर है तो हम उसे फ्रेस बोल देते हैं। अब यहीं से समझ में आ रहा है फ्रेसल वर्ब का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें वर्ब भी है, है ना। वर्ब ने अगर कुछ चीज़ों के साथ ग्रुप बना लिया है तो उसे बोल रहे हैं फ्रेसल वर्ब्स। वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं एक्शंस, क्रियाएं। अब देखते हैं कि वर्ब किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाता है। तो वर्ब जो है या तो वो कॉम्बिनेशन बनाएगा विद एडवर्ब, एडवर्ब जो क्रिया विशेषण होते हैं, है ना, लाइक स्लोली, वॉक स्लोली, राइट, या फिर वो कॉम्बिनेशन बनाएगा प्रेपोजिशन के साथ। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, जो पोजीशन बनाते हैं, वेदर कोई चीज़ इन है, आउट है, ऑन है, ओवर है, अंडर है, राइट। तो फ्रेसल वर्ब्स क्या हो गए, ऐसे वर्ब्स जिन्होंने कॉम्बिनेशन बना रखा है किसी चीज़ के साथ। और कॉम्बिनेशन किसके साथ बना रखा है, या तो एडवर्ब के साथ बना रखा है या फिर कॉम्बिनेशन बना रखा है प्रेपोजिशन के साथ। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना लिया बिकॉज वर्ब ने, दैट्स वाई उसको हम बोल रहे हैं फ्रेसल वर्ब। अब एक एग्जांपल यहाँ मैंने दिया है, जैसे लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। जैसे ही वो अपनी फ्रेसल वर्ब वाली फॉर्म में आता है ना, तो जो वर्ब होता है उसका मीनिंग टोटली चेंज होता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं, अबाइड बाय जिसका मतलब होता है ओबे करना, मानना। और एग्जाम्पल देखते हैं ब्रेक अवे, ब्रेक अवे मतलब कैद में से छूट कर भाग जाना। या फिर देखो कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ हमने कैंसिल कर दी है। डील विद का मतलब क्या हुआ, डील विद मीन्स किसी चीज़ को हैंडल करना। अब एक बात हमने नोट करके रखनी है या याद करनी है कि फ्रेसल वर्ब जिन शब्दों से मिलके बना है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि जो मीनिंग उन वर्ड्स का है वही मीनिंग फ्रेसल वर्ब का भी हो। ऐसा हो सकता है जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं उनका मीनिंग टोटली डिफरेंट है, और जो फ्रेसल वर्ब निकल के आया ना हमारे पास कॉम्बिनेशन से, उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, एंड अप, अब एंड अलग है, अप का मीनिंग अलग है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, मीनिंग में। इसी तरह से फिगर और आउट, दोनों वर्ड्स का अलग अलग मतलब कुछ हो रहा है और वैसे मीनिंग बन गया टू फाइंड सॉल्यूशन। इसी तरह गेट और ऑफ, दोनों का अलग अलग मीनिंग कुछ हो रहा है और वर्ड फ्रेसल जो आया वो अलग हो गया। हैंड इन, हैंड और इन अलग अलग मीनिंग और वैसे मीनिंग सबमिट हो गया। तो दैट्स अबाउट फ्रेसल वर्ब्स। आई होप दैट द क्लैरिटी हैज़ बीन इंड्यूस्ड इन योर माइंड नाउ।